मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में सारा जहां होता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज APS टूरिज्म हब और आज मैं आपको सैडल पिक लेकर चल रहा हूं। सैडल पिक के लिए हम लोग अपनी जर्नी दिगलीपुर से स्टार्ट की। पहले दिगलीपुर से हम लोग एरियल पे पहुँचे जो लगभग 10 किलोमीटर है और आगे सी साइड से होते हुए रास्ता जाता है। यह एरिया कालीपुर है। यहाँ अर्ली मॉर्निंग टाइम है और जस्ट अभी अभी सनराइज़ हुआ है। आसमान में कहीं कहीं बादल नज़र आ रहे हैं और व्यू बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। ट्रीज़ के टहनियों के बीच से सनराइज़ और सन का चमकना बेहद खूबसूरत नज़ारा है। ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इधर कुछ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो रेडी होकर स्कूल जा रहे हैं। रोड के बोथ साइड छोटे छोटे ट्रीज लगे हुए हैं जो नेचुरल ब्यूटी को और ज़्यादा खूबसूरत कर रहे हैं। अगर हम सैडल पिक नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान द्वीप के नॉर्दर्न भाग यानी उत्तरी भाग पर स्थित है। यहाँ के लोकल्स में एक बार रास्ता कन्फर्म कर लेते हैं। भैया सैडल पिक आ गई है, कितना दूर है? लोकल्स के अनुसार हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं और ऐसे चलते चलते हम लोग सैडल पिक के मेन एंट्रेंस पर पहुंचने वाले हैं। एंट्रेंस के जस्ट पहले एक प्राइमरी स्कूल पड़ता है। सैडल पिक नेशनल पार्क की एंट्री फी 50 रुपीज़ पर पर्सन है और अगर आप बाइक अंदर ले जाना चाहते हैं तो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पर एक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट है, वहाँ पर हमें बाइक को रखना पड़ेगा। परमिट काउंटर 6 AM से 5 PM तक ओपन रहता है। यह एक डूज एंड डोंट्स का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेने के बाद आगे बढ़ चले। यह जर्नी बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ रास्ते में ट्रीज के लीव्स गिरे हुए हैं जो बेहद खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और इस तरह से हम लोग फाइनल चेक पोस्ट पर पहुँच गए हैं। यहाँ मार्कर के रूप में एक इमली का ट्री है। यहाँ हम लोग कुछ बनाना से अपना नाश्ता किए और आगे बढ़ गए। यहाँ से दो रास्ते हैं लेकिन हम लोग लेफ्ट वाला रास्ता चूज किए हैं। रास्ते में टोटल 4 फ्लोइंग वाटर मिलेगा जिसमें से ये फर्स्ट वाला है। इस सैडल पिक नेशनल पार्क में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे। यह बर्ड अपना आवाज़ निकाल रहा है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस बर्ड का नाम राइट कीजिए। यह लामिया बीच का सी साइड है, आप इसका भी आनंद उठा सकते हैं। सैडल पिक के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं और नेचुरल ब्यूटी का आनंद उठाते जा रहे हैं। यह सेकेंड फ्लोइंग वाटर है, इसका वाटर भी बिल्कुल फ्रेश है। इसको क्रॉस करके हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको यह जो छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है, इससे स्टिक बनाई जाती है जो पुलिस वाले यूज़ करते हैं, या यूं कहें कि पुलिस का डंडा बनाया जाता है। और यह पाइप दिगलीपुर तक फ्रेश वाटर की सप्लाई करती है। इस पेड़ की नेचुरल डिज़ाइन क्या लाजवाब है। अब हमें थोड़ी देर तक फॉरेस्ट के बाहर सी साइड से जाना पड़ेगा। यहाँ सी साइड का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यह नज़ारा क्या गजब का लग रहा है। इधर चलते चलते हमें एंट्री पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट हम लोग फिर से सैडल पिक के मेन ट्रैक पर आ सकें। यहाँ से हम लोग फिर से
सैडल पीक नेचुरल नेशनल पार्क के अंदर आ गए हैं। और यह थर्ड फ्लोइंग वाटर है, इसकी विशेषता मैं वीडियो में और आगे बताऊंगा। यहाँ से हमारी सैडल पीक के लिए मेन जर्नी स्टार्ट होती है। वाह, क्या गजब का नज़ारा है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा। सैडल पीक की ट्रैकिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी। और यह फोर्थ फ्लोइंग वाटर है जिसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं। यह रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट है बट एनर्जी से भरा हुआ है। चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी नज़र आ रही है। यह पॉलीथीन किसी टूरिस्ट ने रख दिया है। धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे की ट्रैकिंग काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है बट हाँ, मज़ा आएगा। बीच बीच में रेस्ट करने के लिए बेंचेज लगाए गए हैं जहाँ पर बैठकर हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर तक ठुमके लगाए। खड़ा ही लेना मेरा, स्टार्ट कर दिया। यहां से फुल एनर्जेटिक होकर हम लोग और आगे बढ़ते गए। नज़ारा इतनी खूबसूरत है कि टायर्डनेस के बाद भी मन आगे बढ़ने को मचल रहा है। यह एक और रेस्ट करने का प्लेस है, यहाँ पर थोड़ा सा आराम फरमा सकते हैं। आगे का ट्रैकिंग और चैलेंजिंग है, लगभग 60 डिग्री पर चढ़ाई है, सो थोड़ा मुश्किल होता हुआ। आपको यहाँ पर एक पत्थर मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है एक बिहारी सौंपे भारी। आप भी ऐसे कारनामे करके अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकते हैं। और यह है सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द सैडल पीक नेशनल पार्क, इसे सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से जो नज़ारा का आनंद है यहाँ पर आकर ही महसूस किया जा सकता है। सैडल पीक नेशनल पार्क नम उष्णकटिबंधीय वनस्पति के साथ पर्णपाती सदाबहार जंगल से घिरा हुआ है। बहुत से लोग यहाँ तक आकर वापस चले जाते हैं बट मैं आपको बिल्कुल एंड तक लेकर ही जाऊँगा। सैडल पीक नेशनल पार्क की एरिया 32.54 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की जलवायु आमतौर पर समुद्री है। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में अंडमान जंगली पिग, पीजन, पहाड़ी मैना इत्यादि जानवर हैं। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद हम लोग हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान निकोबार सैडल पीक की ओर चल पड़े। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें शिमला की फीलिंग आ रही है। आगे फॉग है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 15 से 20 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा नज़ारा है। और ऐसे चलते चलते हम लोग सैडल पीक पर पहुंचने वाले हैं। और यह है अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक जिसका नाम है सैडल पीक। यहाँ पर हम लोग कुछ कैरेट, कुकुम्बर, बिस्किट्स एंड बनाना खाए। यहाँ से पूरा सैडल पीक नेशनल पार्क का नज़ारा देखा जा सकता है। यह किसी स्कूल के बच्चों का अचीवमेंट है, यहाँ अपना निशान छोड़ गए हैं। यह उधर झाड़ियों में गिरा हुआ था, हम लोग इसे यहाँ पर स्टैंड कर दिए, फिर हम वापस आने लगे।
इस पिक का शेप डबल हम्प्ड सैडल यानी दोहरे कुबड़ वाली गांठी जैसा है, इसलिए इसका नेम 1979 में सैडल पिक रख दिया गया। आफ्टर फिनिशिंग ऑफ जर्नी सैडल पिक, हम लोग वापस नंबर 3 फ्लोइंग वाटर के पास जाने लगे। यह है नंबर 3 फ्लोइंग वाटर का प्लेस, जिसके बारे में मैं वीडियो में कहा था कि डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं, फिश पकड़ सकते हैं और फुल एंजॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आलू लाए थे जिसे आग में रोस्ट किए, और जो इसका टेस्ट है लाजवाब है। आप भी यहाँ पर विजिट कीजिए और कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।